नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। अब जो मैं खबर आप तक पहुंचाने जा रही हूं, बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि हम कोरोना काल में जी रहे हैं और इस कोरोना में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ रहने की आदत सी भी हम सबको पड़ चुकी है। और ये कोरोना महामारी का नाम अब हमारे लिए कोई नया नाम नहीं रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से साल के शुरुआत से ही हम इस काल में जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मार्च के महीने से लॉकडाउन जैसा फैसला सरकार ने लिया और उसके बाद हम पूरी तरीके से पूर्णतः लॉकडाउन का हमने सामना किया 2 महीने तक तकरीबन। और लॉकडाउन 5 जब फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, तब उसे अनलॉक का भी नाम दिया गया। अनलॉक इसलिए क्योंकि व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से ठप पड़ी थी, उसे फिर से पटरी पर चलाने के लिए, ताकि लोग आगे बढ़ सके, अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा चुकी है उसे सही से ढर्रे पर लाया जा सके। लेकिन अब इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि एक बार फिर से पूर्णतः लॉकडाउन का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है और ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है, यानी कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्णतः यानी कि पूरी तरह लॉकडाउन राज्य के अंदर रहेगा, बिहार के अंदर रहेगा। अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं या फिर आप बिहार में रहते हैं तो यकीनन ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि लॉकडाउन 5 के साथ अनलॉक 1 शुरू हुआ, उसके बाद अनलॉक 2 भी ये शुरू हुआ जुलाई के 1 तारीख से। हमने सोचा कि फिर से हम पटरी पर वापस लौट रहे हैं, हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर वापस लौट रही है और जीवन हमारी उसी तरह से चलेगी जैसे कि कोरोना काल से पहले हम जी रहे थे। लेकिन देखिए किस तरह से आंकड़े कोरोना के बढ़ रहे हैं और ये कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। ना सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं बल्कि प्रशासन के लिए, शासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण ये पूरा काल बन चुका है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा मुहैया कराना। और जनता की सुरक्षा तभी होगी जब सोशल डिस्टेंस को हम मेंटेन करेंगे, हम मास्क का प्रयोग करेंगे, हाथ को बार बार हम साफ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हम नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का सामने आना कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें साफ तौर पर सरकार के माथे पर नजर आ रही है। और यही कारण है कि राज्य सरकार अपने राज्य का, अपने सूबे का हाल देखते हुए इस तरीके का फैसला ले रही है। तो इसीलिए आपको मैं बताती हूं कि बिहार के अंदर यानी कि नीतीश सरकार ने फैसला लिया है 16 तारीख से 31 जुलाई तक पूर्णतः लॉकडाउन रहने वाला है। ये वैसा ही लॉकडाउन रहेगा जैसा कि आपने 24 मार्च से देखा था पूरे देश भर में जो लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था, बिल्कुल वैसा ही पूरा लॉकडाउन बिहार के अंदर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रहने वाला है। इस दौरान जो जरूरी सामान की दुकानें हैं सिर्फ वही खुलेंगी, वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। और साथ ही साथ कई ऐसे फॉर्मूले के साथ भी दुकान खोली जाएंगी जिससे लोगों को किसी तरह से कोई दिक्कतें पेश ना आए। लेकिन ये पूर्णतः लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है क्योंकि कोरोना के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे। जहां पहले जून के महीने की अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर 200-250 से मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब हमने देखा कि किस तरह से 2000-3000 मामले जो है एक साथ सामने आ रहे हैं, जो कि वाकई एक चिंता का विषय राज्य सरकार के लिए हो जाता है। और राज्य सरकार के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी है वहां की जनता की सुरक्षा मुहैया कराना। और सुरक्षा तभी होगी जब इस कोरोना काल में लोगों को इस कोरोना से बचाया जा सकेगा। और ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन स्तर पर काम नहीं हो रहा है, प्रशासन अपने स्तर से भी काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इन आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। जो अस्पताल हैं वो खुले रहेंगे, डॉक्टर्स के क्लिनिक खुले रहेंगे, जो ज़रूरी सामान की चीज़ें हैं, दूध दही की जो सामान, जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं, ये प्रोडक्ट्स के सामान दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन का मतलब ये है कि जैसा आपने देखा था कि मार्च के महीने में केंद्र सरकार ने फैसला लिया था, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति अब बिहार के अंदर भी होने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पहले केंद्र सरकार फैसला लेती थी लॉकडाउन को लेकर, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, लॉकडाउन के साथ ही साथ अनलॉक के साथ हम आगे बढ़े,
उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लेने का अधिकार जो है राज्य सरकारों के हाथ में भी दे दिया गया कि आप अपने राज्य का हाल देखिए, आप अपने राज्य की स्थिति को समझिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर लॉकडाउन करने जैसी स्थिति है तो आप इसमें बिल्कुल भी मत चूकिए, ना देरी कीजिए, ना ही लापरवाही बरतिए और आप लॉकडाउन जैसा फैसला ले लीजिए। हमने देखा था कि बिहार में ही 2 दिन पहले ही इस तरीके का फैसला लिया गया था कि 2 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो किया गया था, 2 दिन के लिए, माफ कीजिएगा, यूपी के अंदर और उत्तराखंड के अंदर ऐसा किया गया था और यूपी सरकार ने भी, योगी सरकार ने भी ऐसा फैसला लिया कि मिनी लॉकडाउन जो है वो किया गया है राज्य के अंदर। बिहार की हम बात करें, बिहार में भी हमने देखा था कि किस तरीके से जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है लॉकडाउन को बांट दिया गया था, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है और राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया है। पहले जिलाधिकारियों की तरफ से फैसला लिया गया था और अब जो फैसला लिया गया है वो राज्य की नीतीश सरकार की तरफ से लिया गया है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये फैसला है। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेहत, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है, तो आपको भी इसमें अमल करने की जरूरत है। आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पूर्णतः लॉकडाउन है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आपने मार्च के महीने में ये लॉकडाउन देखा था। इसीलिए आप अमल कीजिए, आप कहीं बाहर मत जाइए, एहतियात आप बरतिए, मास्क का प्रयोग जरूर करें। घर से बाहर अगर आपको नहीं लग रहा है कि जाना जरूरी है तो मत जाइए, बेफिजूल घर से बाहर मत जाइए, भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। घर के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो बार बार अपने हैंड को धोते रहिए, वॉश करते रहिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। और अगर ऐसा होता है, अगर हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं, अलग अलग राज्य सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है, हो सकता है आगे जाके केंद्र सरकार को भी इस तरीके का फैसला लेना पड़े पूरे देशवासियों के लिए। क्योंकि अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो हर रोज एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है, और क्योंकि 9 लाख को पार हम कर चुके हैं, 9 लाख हमारे देश के अंदर कोरोना मरीज जो है वो सामने आ चुके हैं और आगे और भी भयावह तस्वीर सामने आएगी। WHO की तरफ से भी ये बयान दिया गया है। WHO ने भी अपने बयान में साफ तौर पर ये कहा है कि अभी और भी भयावह तस्वीर सामने आ सकती है। एम्स के डायरेक्टर की तरफ से भी पहले कहा गया था मई के महीने में ही कि जून जुलाई में स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है, आंकड़े और बढ़ सकते हैं, और यही कारण रहा कि हमने देखा कि किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर, इसे कैंसिल कराने को लेकर जो अभिभावक हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, ये कहकर याचिका दायर करते हैं कि जून जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में खासतौर पर आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, कोरोना के केसेस सामने आएंगे, तो इसलिए हमारे बच्चों की सेहत जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला भी लिया गया था। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जैसा पहले कहा गया था, एम्स के डायरेक्टर की तरफ से इशारा किया गया था कि जुलाई के महीने में मामले बढ़ सकते हैं, बिल्कुल हम वही देख रहे हैं। और आज WHO की तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया जाता है कि अभी और भी तस्वीरें भयावह होंगी, आगे आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि और भी ज्यादा आंकड़े बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यही कारण है कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से फैसला ले रही है, और अगर आगे चलकर आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से अगर पूरे देश भर में लॉकडाउन जैसा फैसला लिया जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि ये लाजमी भी है। क्योंकि पहले मार्च के महीने में फैसला लिया गया था लॉकडाउन का, वो जरूरी था क्योंकि तब एक शुरुआत हुई थी, लगा था कि एक हम कहीं ना कहीं इसमें स्थिरता नजर आएगी, और वो भी फायदेमंद साबित हुआ था। अगर वो फैसला नहीं लिया गया होता तो और भी तस्वीरें डराने वाली साबित हो सकती थी, सामने आ सकती थी। लेकिन अभी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से भी फैसला लिया जाए, हालांकि अभी ऐसी कोई तस्वीर निकलती नजर नहीं आ रही है। अभी फिलहाल राज्य सरकारें अपने स्तर से फैसला ले रही है और यही कारण है कि बिहार की नीतीश सरकार ने फैसला लिया 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्णतः लॉकडाउन है राज्य के अंदर। अगर आप भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार में रहते हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है, आप इसे सर्कुलेट जरूर करें और अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। आपका इस पर क्या कहना है, क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।